गुड इवनिंग सर। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज डायमंड्स इन मेकिंग में हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है और उस सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ विद इंटरैक्शन। हम सभी हेल्थ के बारे में विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं और कई बार हम बहुत लापरवाह भी होते हैं। तो जो हेल्थ है उसको हम कैसे समझें, उसके बारे में हमारी परवाह कैसी होनी चाहिए, परवाह करें तो उसकी हमारी विजडम यानी समझदारी कैसी होनी चाहिए, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आज हम सब लोग बात करेंगे। और जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के सामने है वो होगा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती। हेल्थ की चुनौतियाँ क्या हैं? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ चुनौतियां तो ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं है, जहां हमारी बेबसी है, वो बाई बर्थ है इसलिए वो चुनौती की तरह से है। तो बाई बर्थ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मेडिकल साइंस में हैं और कुछ हम अपनी फिटनेस के लिए एफर्ट करके उन सॉल्यूशंस को पा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा ज्यादा बस और जोर नहीं होता। अब इसके बाद जो बाई बर्थ नहीं है वो चैलेंजेस क्या हैं? उस चैलेंजेस में हमें बहुत सारा पोल्यूशन दिखलाई पड़ता है और ये पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के लिए काफी ज्यादा विदेशों में इस बात का दबाव है कि आप पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हो, तो वो पोल्यूशन जो क्रिएट होने के बाद रिसाइकल हो सकता है, यानी कोई ऐसी चीज जो गंदी हुई लेकिन वो रिसाइकल हो सकती है, बायोडिग्रेडेबल है, वो नष्ट हो सकती है, फिर से वो रिसाइकल होकर चीज ठीक हो सकती है, तो उसको उतना खराब नहीं माना जा सकता जो पोल्यूशन रिसाइकल ही नहीं हो सकता, जो परमानेंट हो जाएगा। जैसे नाम सुनते रहते हैं हम लोग कि प्लास्टिक के लिए कुछ कहा जा रहा है, तो ये जो रिसाइकल होने वाला पोल्यूशन है या जो नहीं है वो भी हमारे लिए आज चैलेंजेस बने हुए हैं। तो पोल्यूशन एक किस्म का चैलेंज है। सोसाइटी में हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस के लिए हमारा जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जिसमें हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज मेरी एक बैंकर से बात हो रही थी, 3 घंटे रोज वो ड्यूटी पर पहुंचने के लिए ट्रैवल करते हैं और 3 घंटे रोज वो ड्यूटी से लौटने के लिए ट्रैवल करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की यात्रा, 14 घंटे का परिश्रम, 14 घंटे का परिश्रम। मैं सुन रहा था तो बहुत तकलीफ महसूस हुई कि व्यक्ति के लिए कभी कभी चीज कितनी तकलीफ की हो सकती है, बट स्ट्रेस है तो पोल्यूशन के साथ स्ट्रेस एक दूसरे किस्म की प्रॉब्लम है। फिर हम लोग जो खाना पीना करते हैं उसमें कुछ ऐसे खाना, ऐसे किस्म के भोजन हैं जो नए किस्म के आ गए हैं, उनको हम फास्ट फूड कहते हैं, उसमें फ्री कैलोरीज होती हैं, यानी कैलोरीज हैं, एनर्जी है, लेकिन वो न्यूट्रिशन फ्री है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जो बैलेंस डाइट में चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, सो दे आर फ्री कैलोरीज। और फिर बहुत सारा ऐसा हमारा जो नेचुरल फूड है, जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, WHO रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके एक्सट्रैक्ट लेवल पर जो उसमें एलिमेंट्स हैं उसका 40% आज उसमें केमिकल है, तो जो खाना है उसमें केमिकल हो गया है और हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। तो ये तो कुछ चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के साथ साथ में कुछ डिजीज हैं जो चुनौतियां हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो चुनौतियां हैं, डीजेनरेटिव डिजीज हैं, ये चुनौतियां हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज के सामने भी कैसे बचें हम, ये एक समस्या है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो बिल्कुल ही डीजेनरेशन से संबंधित हैं, जैसे समझने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है,
साथ आगे बढ़िए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या बहुत फैटल साइड में चले जाइए तो कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है। मैंने बहुत से लोगों को डायबिटीज की वजह से अचानक अंधे होते देखा, किसी और ऑर्गन को उनके डैमेज होते देखा। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब इन चैलेंजेस से हम कैसे निपटें, तो हमने इसके बारे में जब भी स्टडी किया तो कुछ किताबें हमारे सामने आई। जैसे मैं दो तीन किताबें आपको दिखला रहा हूँ और रिकमेंड करूंगा कि इन किताबों को जरूर पढ़ें। जैसे व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो डॉक्टर है उसके पास इलाज तो ठीक है, लेकिन जो चीज शरीर में ही कम पड़ रही है, कमजोरी है, न्यूट्रिशन है, वो कैसे पूरा कर लिया जाए। यू विल हैव एन आइडिया, एक परसेप्शन आपके जहन में आएगा। फिर कुछ और एक दो किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ये है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, ये इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम के मेंबर डॉक्टर ड्यूक जॉनसन, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब है, ऑप्टिमल हेल्थ रिवोल्यूशन, उसका ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी में भी ये सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। इस किताब को पढ़ेंगे आप तो आपको महसूस होगा कि आपके परिवार के लिए साधारण से इंसान को जो साइंस का ज्यादा ज्ञाता बिल्कुल भी ज्ञाता ना हो, वो भी कैसे इन पुस्तकों से अपने लिए तैयारी कर सकता है, चीजों को समझ सकता है और फायदा उठा सकता है। एक और पुस्तक मैं रिकमेंड करूंगा, फाइटिंग बॉडी पोल्यूशन, ये हिंदी में भी अब उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आपका शरीर और प्रदूषण, जो शरीर में प्रदूषण है, बॉडी में जो पोल्यूशन है, इसको इंडिकेट करने के लिए केवल एक उदाहरण काफी है कि गिद्ध जिन जानवरों को खाते थे, जो जानवर को खाते थे उनको खाने की वजह से वो गायब हो गए, और वो जानवर क्या खाते थे, वो केमिकल्स और हाइब्रिड से पैदा हुए अनाज या उससे रिलेटेड जो पौधों की चीजें थी उनको खाते थे, वो केमिकल्स खा रहे थे इसलिए विदा हो गए। बॉडी पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों नहीं होगी डायबिटीज, क्यों नहीं होगा ब्लड प्रेशर, क्यों नहीं होगा कैंसर और कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, क्यों नहीं होगा? तो डीजेनरेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो अब इनसे निपटने के लिए इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो समझ में आता है वो ये कि चार चीजें हैं जो हमें चाहिए जिससे हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। एक उसमें से है एक्सरसाइज, हमें कसरत करनी होगी। हम इसको बहुत अच्छे फॉर्मूले की तरह अर्न के नाम से लेते हैं, EARN, कि हमें हेल्थ अर्न करनी पड़ेगी, और जब फ्री में मिलेगी नहीं। तो जब अर्न करने निकलेंगे तो उसमें से ई से मतलब है हमारा एक्सरसाइज से, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो भूल जाइए कि कोई स्वास्थ्य, कुछ भी खा लीजिए, कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, मालिश करा लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो हेल्थ नहीं मिलेगी। और इसका उल्टा कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम योगा करते हैं तो योगा करने के बाद मात्र से हेल्थ मिल जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। एकांगी किसी एक चीज से हेल्थ नहीं पूरी मिल सकती, बिल्कुल हिस्सा भर ही हमारे हाथ लगने वाला है, और जहाँ गैप होता है वो हेल्थ दे नहीं सकता। तो गैप्स नहीं रखने हैं। तो पहला है ई, एक्सरसाइज जरूरी है। दूसरा है ए, ए से है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब आपको हर वक्त खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अगर आप अभावग्रस्त मन दशा में हैं, जैसे लोग कहा करते हैं कि कभी हमारे गरीब खाने पर आइए, ऐसी अगर आप किसी खराब किस्म की नीचे अपने में अभाव महसूस करने वाली नकारात्मक अवस्थाओं में जी रहे हैं तो आप कभी भी खुश रह नहीं पाएंगे। तो खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये हमें सीखना होगा। सकारात्मक सोच हमें लानी होगी, चाहे हम मेडिटेशन करें, चाहे हम कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ें, किसी अच्छे सत्संग में जाएं, कुछ हम अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहें, लेकिन हमारी सोच का सकारात्मक होना, सही दिशा होना, हमारा समझदार होना बहुत जरूरी है। और जिनकी सोच खराब है वो चाहे जितना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर हो, चाहे जितने बड़े पैसे हो, कैन यू इमेजिन कि सोच खराब हो गई, मानसिक दशा खराब हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था, वो कौन सी कॉफी कैफे, दिन या रात की दुकान होती थी, कॉफी कैफे डे होता था, उसने सुसाइड कर लिया। तो हजारों करोड़ होने से नहीं खुशी होती, सोच ठीक होनी चाहिए, अंदाज ठीक होना चाहिए जिंदगी का। और तीसरी चीज है उसमें से रेस्ट, आप पर्याप्त विश्राम करें, अच्छी तरह से सोएं। और चौथी चीज है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी बैलेंस्ड डाइट,
वो डाइट नहीं जो हमें खाली खाने में स्वादिष्ट लगती है और हम तृप्त हो जाएं, बल्कि वो डाइट जिसको हमें शरीर को हमारे चाहिए, तो वो साइंटिफिकली हमें मिलनी चाहिए, यानी प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट, उसमें गुड फैट, और फिर हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिले, हमें फाइबर मिले, हमें बढ़िया विटामिन्स मिले, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स में हमें मिनरल्स मिले, और ये सब नेचुरल्स हों, ये केमिकल्स ना हो, नेचुरल्स हो। लेबोरेटरी मेड केमिकल्स विल नेवर गिव यू हेल्दी लाइफ, तो हमें नेचुरल्स मिले। सो आज हमने एक बेसिक बात आपसे की, और लास्ट पॉइंट इसका है कि हम न्यूट्रलाइट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपीरियंस कर पाए हैं जो परफेक्ट नेचुरल्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें अवेलेबल करा पा रहे हैं, उन साइंटिफिक एक्सट्रैक्ट की शक्ल में जिसमें हमने अभी बात की, यानी प्रोटीन अगर चाहिए तो वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जो वेजिटेबल्स हैं, जो जो अनाज हैं उनको पैदा करने के बाद उसमें से निकाल कर हमें दिया जाए, उसमें कोई हाइब्रिड नहीं, कोई केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे ही हमें विटामिंस मिले, ऐसे ही मिनरल्स मिले, एंड न्यूट्रलाइट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट जो कि मार्केट लेवल पर आकर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बेस्ड अपने फार्म से प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर पा रहा है। तो इसको ये उपाधि मिली है कि दे सर्व विद बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, तो दैट इज द पावर ऑफ न्यूट्रलाइट। तो मैंने आपसे एक इंट्रोडक्शन किया है हेल्थ का कि चारों चीजें चाहिए, न केवल पोषण टिकिया खाने से नहीं ठीक होगा, केवल योगा या कसरत से ठीक नहीं होगा, केवल बढ़िया सोचता हूँ, हे हंसता हूँ से ठीक नहीं होगा, और ना ही केवल सो लिया अच्छा तो ठीक होगा, चारों का कॉम्बिनेशन चाहिए, एंड देन यू विल एंजॉय फैंटास्टिक हेल्दी लाइफ। और इस सिलसिले में आज हमने अपने बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है हु इज आवर मेंटर फॉर दिस फील्ड, और हम जितनी भी बात करते हैं हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। ये पुस्तकें भी हमने पढ़ी तो उनके रिकमेंडेशन पर पढ़ी, और आज अगर हम बहुत सारे परिवारों में जाकर हेल्थ पहुंचा पाए हैं तो वो उन्हीं की वजह से पहुंचा पाए हैं। तो हमने अपने हेल्थ के जो हमारे गाइड हैं, मेंटोर हैं, ही इज अ सर्जन बाय प्रोफेशन और प्रयागराज से ही हैं, हमने उन्हें इनवाइट किया है और आप सबको इनवाइट किया है इसलिए कि आप हेल्थ को, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी आपसे कहा, उस फंडामेंटल को आप जरूर समझें और अध्ययन करें, और फिर आज आप उन डॉक्टर साहब से, मैं उन्हें बुलाऊंगा, वो कुछ बातें आपसे कहेंगे, और फिर आपको मौका होगा, आप जितने सवाल चाहें उनसे पूछ सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली हेल्थ के लिए, सीखने के लिए। और उन्होंने हमसे कहा है कि मैं जब तक लोगों को जरूरत होगी मैं उनके बीच रहूंगा, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका होगा। सो हेल्प मी वेलकम आवर मेंटोर ऑफ हेल्थ, गाइड फॉर हेल्थ, डॉक्टर नलिन मिश्रा सर, हियर एट द स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र सर। नहीं कर रहे कि दिखात नहीं रहा। और यस, सो आई एम देयर। और आप सब हेल्थ सेशन कई बार अटेंड कर चुके हो, सब जानते हो कि हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। जैसे अभी नरेंद्र सर बता रहे थे, आपको एक्सरसाइज करनी है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, खूब मेहनत करनी है, लेकिन अच्छे से रेस्ट भी लेना है, और सप्लीमेंट्स जरूरी है, क्योंकि हम भोजन को न्यूट्रिशन युक्त नहीं बना सकते जब तक हम सप्लीमेंट्स नहीं यूज करते। और हम सब लकी हैं कि सप्लीमेंट्स के लिए हमारे पास न्यूट्रलाइट अवेलेबल है, जो दुनिया की अनक्वेश्चनेबली नंबर वन कंपनी है डायटरी सप्लीमेंट्स बनाने की। और ये हम नहीं कहते क्योंकि हम न्यूट्रलाइट से एसोसिएटेड हैं, ये थर्ड पार्टी कहती है। अगर आप रीडर्स डाइजेस्ट को कोट करें, आप ढेरों मार्केटिंग की सर्वे एजेंसीज हैं जो बताती है कि न्यूट्रलाइट इंडिया में तो पिछले 10-11 सालों से लगातार नंबर वन पर है, और वर्ल्ड में भी ये नंबर वन पर है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। इनके अपने खेत हैं जहां पर प्रमाणित जैविक खेती होती है, फल और सब्जियां वहीं पर उगाते हैं, इनके अपने फार्मर्स हैं, किसान भी इनके, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी इनके, खेत भी इनका, बॉटनिस्ट भी इनके, मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी। कहने को सीड से फिनिश तक, एक बीज जो बोते हैं
जिस जमीन में वो बीन की है, और उसके बाद जो वो गोलियों और पाउडर के शक्ल में जो हमें मिलता है वो भी उनका। तो आप सब इससे परिचित हैं। और आज नरेंद्र सर ने मुझे कहा है कि आपके सवाल होंगे और मैं जवाब दूंगा। काम थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है क्योंकि तो सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है, जो डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर सकूं और आप संतुष्ट हो और विश्वास के साथ न्यूट्राइट के सप्लीमेंट्स ले, अपना स्वास्थ्य बढ़ाए और फिर इस चीज को आगे बढ़ाए। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप लोगों से बात करेंगे तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। और हम लोग का ये मिशन है कि हम इस हेल्थ को, जैसे हमें ये मिला है, ये चीज हम आगे भी। तो जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं और उससे आसानी होगी कि हम आपको एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे। अगर कोई चैट में लिखेगा तो वो भी देखा जा सकता है। तो अगर कोई भी सवाल है हमारे बीच में जो लोग हैं तो वो हैंड रेज करें और हम लोग उनसे डिस्कशन करेंगे। निधि कुमारी सर, निधि कुमारी जो है, निधि कुमारी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। गुड इवनिंग निधि। यस एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मेरी मदर है और शी इज 45 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 45, एंड उनका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि वो वर्किंग है, स्कूल में प्राइमरी स्कूल की टीचर है, बट उनके मतलब पूरा दिन रहता है पढ़ाने में, फिजिकल एक्टिविटीज रहती है, बट घुटने में बहुत साल से प्रॉब्लम है। घुटने में कॉन्स्टेंट पेन रहती है, हमने बहुत सारी दवाइयाँ यूज की, लाइक डॉक्टर बत्रा की और ऑर्थो की, ऑर्थो समथिंग कुछ, काफी साल तक हमने दवाइयाँ चलाई थी लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैंने एमडी में भी काफी चीजें सर्च की थी जो स्पेसिफिकली घुटने में या फिर बोन्स के रिगार्डिंग काम कर सके, बट मुझे कुछ ऐसा रेलेवेंट नहीं मिला। तो आप कुछ अगर सजेस्ट कर सको तो इट वुड बी रियली एक्सीलेंट फॉर मी। डेफिनेटली निधि, आपका जो मम्मी को प्रॉब्लम है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो आजकल अभी तो वो 45 प्लस है, बहुत यंग एज में भी हो रही है, 30 प्लस बॉयज एंड गर्ल्स को वो हो जा रही है, जस्ट बिकॉज कि हमारा खान पान गड़बड़ है, पॉल्यूशन है, हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनके लिए जो आपको देना है वो आप चाहो तो नोट कर सकते हैं पेपर पे। आप उन्हें स्टार्ट करिए, देखिए न्यूट्रलाइट डेली, प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा 3 एंड कैलमेक डी प्लस, ये तो सबको देना ही देना, किसी भी कंडीशन में ये चारों देना ही। और अगर किसी को एनीमिया है, अगर वो किसी को एनीमिया है, लेडीज को तो मैं कहता हूँ उसमें आयरन भी ऐड कर देना चाहिए, चेरी आयरन, क्योंकि हमारे देश में 80% से ज्यादा जो वीमेन है दे आर एनीमिक। तो आपको उन्हें देना है न्यूट्रलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर, चेरी आयरन एंड कैलमेक डी प्लस। These five things you have to do. अब जो osteoarthritis है, उसके लिए आपको दो चीजें इसमें और ऐड करनी है। Glucosamine, HCl, 2 capsules morning, 2 capsules evening for 1 month, and then one in the morning. Glucosamine. अपना बुखार लो है। Okay. Glucosamine, HCl. 2 capsules in the morning, 2 capsules in the evening for 1 month, followed by 1 in the morning, 1 in the evening for 2 months. 3 महीने लगातार देना है glucosamine. और इसके साथ में आपको उन्हें natural C देना है, 1 in the morning, 1 in the evening. Vitamin C. तो ये सब चीजें जब आप उन्हें दोगी तो definitely फायदा होगा। ठीक है सर। तो actually उनका weight भी काफी ज्यादा है, weight की वजह से भी हमें लगता था कि वेट की वजह से है। वेट, यस, वेट
वेट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने, तो आप उनका वेट भी मैनेज कर सकती हो, और वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है विल ओवर वेट वाओ WOW, इसके लिए आप नरेंद्र सर से कांटेक्ट करना, वो उसका सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो अगर वेट मैनेजमेंट भी साथ साथ चलेगा तो बहुत जल्दी फायदा। ऑलराइट निधि, आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर, नरेंद्र सर देखिए हू इज सेकंड नेक्स्ट। आप कोई और कोई हैंड रेस करें तो आपको मौका मिल सकता है, और अगर आप किसी वजह से हैंड रेस नहीं करना जानते तो आप डायरेक्टली अनम्यूट कर लें वन बाय वन। अगर आप हैंड रेस करना नहीं जानते हैं तो आप अनम्यूट करके अच्छा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सरजीत जी। सर मुझको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है जी जी, करीब 15-20 दिन से। ओके। और दिक्कत हो रही है काफी। राइट। तो सरजीत जी, पहले हमारे पास एक प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट था, बट वो अनफॉर्चुनेटली आजकल अवेलेबल नहीं है जी। तो आपको न्यूट्रलाइट डेली प्रोटीन पाउडर सैल्मन ओमेगा 3 ये 3 लेने हैं, और किसी सर्जन को मिलके प्रोस्टेट की मेडिसिन लेनी है। नहीं, सर्जन से मिलके ही ले रहा हूँ सर, मुझे आराम तो है काफी। उन्होंने क्या उन्होंने दिए सर, वो 3 टेबलेट दिए सर जी। हाँ, तो आप एक उन्हें आप उनको कंटिन्यू करिए, साथ में ये 3 सप्लीमेंट्स आप और लीजिए, प्रोटीन पाउडर न्यूट्रीशन डेली एंड सैल्मन ओमेगा जी सर। जी, और प्रोस्टेट आजकल मेडिसिन से ठीक हो जाता। हाँ जी सर, यही बता रहे थे, यही बता रहे थे डॉक्टर साहब की सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, वैसे ठीक हो जाएगा। वो पहले से काफी जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। अब ये सर, अभी जो हैंड रेस में सर, इसमें मिस्टर एपी पुरी, डॉक्टर सुदामा प्रसाद और आशीष पांडे साहब, तो सबसे पहले वन बाय वन आप करें। सबसे पहले चलिए मिस्टर एपी पुरी साहब के भी सवाल हैं भीतर। जी सर। पुरी साहब, आपका सवाल अब तक खत्म हो जाने चाहिए था। अब आपको मेरी तरह इसी तरह मीटिंग में बैठकर लोगों को सवाल के जवाब देना चाहिए। पूछिए कोई बात नहीं, पूछिए पुरी सर, पूछिए पूरी सर, टाइम मत लगाइए, पूछिए। पूरी अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने। ठीक है, डॉक्टर सुदामा सर। हेलो हेलो, क्या हो गया? हो गया पूरी जी का, हो गया, बोलिए पूरी जी। ये जाना, ये किस चॉकलेट ड्रिंक 4 साल के बच्चों के नीचे भी दिया, कम उम्र के भी दिया जा सकता है? कोई बच्चा जो अपने आप दूध पी लेता हो उसके दूध में मिला के दे सकता, कोई भी बच्चा। ऐसा नहीं है कि 4 साल से कम दे नहीं सकते, वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो बच्चा अपने आप मिल्क लेता है या नहीं लेता, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा 2.5 साल का है और अपने आप मिल्क ले रहा है, दूध ग्लास से पी जाता है, तो आप उसको उसमें ऐड करके दे सकते हैं। राइट सर। अब डॉक्टर हमारे अपने लिए कि पुरी जी, आप अपना क्वेश्चन अपने चैट में डालें क्योंकि वो आपका कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, तो आपका आवाज नहीं आ रही, तो आप चैट में डाल देंगे, मैं पढ़ के जवाब दे दूंगा। डॉक्टर सुदामा सर, आप वेलकम हैं। यस सर। टू ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक प्रश्न सर। हाँ। मैं ये सलमान ओमेगा 3 जी जी एक दिन मैंने रात में खाया और सुबह मेरे पेट में दर्द 24 घंटा तक बनी रही। ओके। और एक दिन मैंने सुबह में खाया
उसको खाने के बाद ही मेरे पेट में दर्द हुई। ये पेट में दर्द करीब 24 से 48 घंटा तक कंटिन्यू बनी रही। मैं उसको खाना छोड़ दिया। और सर मुझे, मैं ये कोलेस्ट्रॉल की दवा लेता हूँ करीब 2016 से, उसको खाने से मुझे लैट्रिन में लूज मोशन होता है, मैं इसको बंद करता हूँ तो कम हो जाता है, गैस प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो सर सलमान ओमेगा 3 मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो इसके जगह पर क्या हम ले सकते हैं? और मुझे सर थायराइड भी है, ओमेगा 3 का तो जी जी थायराइड है और क्या है? थायराइड है और क्या बोला आपने? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल जी। तो आप सैल्मन ओमेगा 3, तो इसका मतलब है एक आध बार और ट्राई करके देखिए क्या फिर से पेट में दर्द होता है क्या? बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत तेज जी, बहुत हल्का दर्द तो काफी देर तक बना रहा। और मैं इसको काफी जब दिक्कत हो लगी तो मैं कोई और मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन में लिया इसके लिए। और सर मुझे एलर्जी की शिकायत दर्द रहती है। कई बार ऐसा होता है कि वो दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसको एक्सक्लूड करना होता है, किसी और वजह से तो नहीं है। तो हम एक सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा गैप करके एक आध हफ्ते बाद एक बार और लेके देखें। ठीक है सर, मैं उसको देखता हूँ एक बार लेकर के। अगर फिर दर्द होता है तो फिर तो डेफिनेटली उसी की वजह से, फिर आप मत लीजिए। और एक प्रोडक्ट मैं एक बच्चे को दिया था सर, वो इसका जवाब पहले हो जाएगा, अभी जवाब पूरा हुआ नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर, आपने पूछा था ना कि उसकी जगह फिर क्या लें। जी, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी है तो आप साथ में आपको गार्लिक लेना चाहिए और CH बैलेंस लेना चाहिए, दोनों। हाँ, गार्लिक एक सुबह शाम और CH बैलेंस भी एक सुबह और एक। ठीक है सर। और ओमेगा 3 अगर नहीं ले पाते हैं तो बंद कर दीजिए, तो थोड़ा अखरोट वगैरह खा लिया करिए। अच्छा, अखरोट खा लिया करिए, थोड़ा अलसी आजकल आता है, अलसी का वो पाउडर लोग ले लेते हैं। बनाया हूँ उसका एक पाउडर, उसमें बनाया हूँ अलसी का और अखरोट का, तो बस बहुत अच्छा मैं लेता हूँ जी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितनी आपकी प्रॉब्लम है सब ठीक होने लगे। ठीक है सर, डेली प्रोटीन पाउडर जरूर लेना है। ठीक, ओके सर। और वो जो बच्चे वाली बता रहे प्रॉब्लम, मैं उसको एक दिया था जो चबा के खाना, उसका नाम मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर। तो जो बच्चा खाया तो खाने के बाद जो है वो उल्टी कर दिया, तो दोबारा जो उसका गार्जियन था वो खाया, वो भी खाने के बाद उसको भी उल्टी आ गई, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा, मेरे समझ नहीं आया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, कौन सी थी वो गोली? वो चबा के खाने वाला बच्चों वाला था, मुझे नाम भूल रहा है। बच्चों के कई है तो जरा एक बार देख लीजिए क्या था। कई बार सर जी उसको बाद में बता पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, मैं वापस ले लिया उसको, तो मैं अपने पास वापस मंगा लिया हूँ। अच्छा, इसमें देखिए सब तरह की बातें होती हैं। ये बात सबके लिए बता दूं थोड़ी देर के लिए कि इतने तरह के ह्यूमन बीइंग होते हैं कि किसको किस चीज से क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिएक्शन होगा, यू कैन नेवर बी श्योर। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर, एज अ हेल्थ एक्टिविस्ट, हमारा फर्ज है कि जिसको भी जो तकलीफ हो हम उसको एक्नॉलेज करें, उसको हम खारिज मत करें कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको एक्नॉलेज करें, देखें कि क्या वजह है और फिर उनकी प्रॉब्लम को रिड्रेस करें। जैसे आपने बताया कि उनके गार्जियन को भी वॉमिटिंग हुआ जी, तो हम एक बार सजेस्ट करते हैं कि भाई देखो हो सकता है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इससे उल्टी नहीं होती, बट ये कोई 100% ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, किसी को हो भी सकती है। फल और सब्जियों से कुछ लोग को एलर्जी होती है, और बच्चे को भी हुई, उनके पिता को भी हुई, तो ये इस तरह की जो एलर्जी है वो फैमिली में भी चलती है, ऐसा भी होता है, फैमिलियल टेंडेंसी होती है फल और सब्जियों से एलर्जी वाली, तो वो है या नहीं उसको देखने के लिए हम बस यही सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप और ट्राई करें। हो सकता है उस दिन कोई और वजह रही हो, घर में कुछ ऐसा खाया हो पूरे फैमिली ने जिसकी वजह से उल्टी हो, और अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता है तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि फिर अब भैया इसको मत लो आप, फिर उसका हम कोई ऑल्टरनेटिव उसको देखते हैं और सजेस्ट करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके, वेलकम, थैंक यू सर। ये आशीष पांडे साहब का हैंड रेज हुआ है। बिल्कुल सर, आप एक एक करके बुलाते जाइए सर। आशीष पांडे जी काइंडली कम, अनम्यूट योरसेल्फ।
हेलो आशीष बताइए। गुड इवनिंग यस सर, मेरे फ्रेंड को प्रॉब्लम है कि उसको वो कितना भी ज्यादा खा ले लेकिन उसका वेट गेन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम उसको बहुत दिन से है, तो इसके लिए अगर आप कुछ सजेस्ट कर सको तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि वो उसकी डाइट भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक चेकअप कराना है किसी फिजिशियन के पास, क्या हुआ है उनका। आशीष जी कहाँ गए, क्या आपके फ्रेंड ने किसी फिजिशियन को मिलके अपना चेकअप कराया है? नहीं सर, नहीं अभी तो नहीं करवाया। पहला काम तो वही, क्योंकि इस तरह से वेट न बढ़ना, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे लो ग्रेड का इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है जिसके कारण वो वेट गेन नहीं हो रहा, और अगर फिजिशियन को दिखाने बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल तो आप उनको प्रोटीन पाउडर, क्या एज है उनकी? एज 21 है। अच्छा, 21। एंड ही इज अ बॉय, लड़का है? हाँ यस सर। उनको प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, ये तीनों आपको देना है। और प्रोटीन पाउडर उनको देना है किसी बढ़िया मीठे ड्रिंक में मिला के खाना खाने के बाद। खाना खा लेने के बाद उनको कहिए कि एक गिलास लस्सी में खूब अच्छा मीठा डाल के, क्रीम व्रीम भी उसके अंदर हो, मलाई हो, और उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के खाना खाने के बाद वो दोनों टाइम। ओके सर, ऑल राइट। और फिर ऐसा करके फिर आप मुझे बताइएगा, 2 महीने के बाद मुझे बताइएगा। और एक वो हमारे पास वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वाओ, उसको भी वो कर सकते हैं अगर उसे वो अफोर्ड कर सकते हैं। ओके सर, पर पहले ये ट्राई करें जो मैंने बताया, इससे ही फर्क पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट राधा। नरेंद्र सर, एक अनिल कुमार जी हैं, वो अपने वीडियो में बार बार हाथ उठा रहे हैं, उनको वो वाला हाथ उठाना शायद उन्हें आइडिया नहीं है, तो आप उनका भी नाम लिस्ट में लिख लीजिए। बहुत देर से अनिल कुमार जी हाथ उठा, उनको पहले ही बुला लेते हैं। आइए अनिल कुमार जी। यस सर। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर मैं अनिल श्रीवास्तव फ्रॉम प्रयागराज। यस सर। सर हमारा एज जो है 51 का है। यस। और सर हाइट 5 feet 4 inches है। यस। सर वेट 75। यस। सर वेट 75 है, तो सर हमारा सर आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आपका आइडियल वेट होना चाहिए अबाउट 60 kg, 50 55। हमारी दो डॉट जी सर, जी सर, तो हमारी दो डॉटर है सर, इनका भी वेट गेन नहीं हो रहा है, और एक का वेट तो सर 40 है, एज 14 का है, और दूसरी डॉटर सर बड़ी है, उसका 18 का एज है, और उसका वेट सर 37 है। जी सर, तो ऐसा लगता है कि फैमिली का कोटा फिक्स है, वो सारा आपकी तरफ आ गया, बेचारी उनका वेट बढ़े। तो सर आपको आपको अपना वेट घटाना है, और आपकी जो दोनों बेटियां हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया प्रोटीन पाउडर खूब अच्छा एक बढ़िया स्वीटेंड ड्रिंक में मिला के खाना खाने के बाद दोनों टाइम दी। सर इनको एक्स दे सकता हूँ क्या? एग्स की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है तो अलग से एग देने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो हमारा प्रोटीन पाउडर है वो इट इज मच बेटर देन एग। हां ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। अब राधा। राधा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आराधा, बोलिए। सर मैंने अभी विदिशा के थ्रू इसको ज्वाइन किया है एमबिक का। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे आयरन भी डाइजेस्ट नहीं होता, और साथ में प्रॉब्लम है कैल्शियम की। तो एक बार मैंने एमबिक का कैल्शियम प्रोडक्ट ट्राई किया, फिर मैंने उसको 2 दिन खाया, उसके बाद वही प्रॉब्लम मेरे साथ फिर से हुई कि मुझे बहुत ज्यादा तेज चक्कर आता है और बहुत सर दर्द होता है, और आयरन में किसी भी तरीके का आयरन डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। इवन अगर मैं अनार का जूस वगैरह भी ज्यादा ले लूं, पालक वगैरह भी ज्यादा खा लूं, तो मुझे लूज मोशन स्टार्ट होते हैं और मेरा हेडेक बढ़ जाता है।
और ये दिक्कत मुझे कई सालों से है और इससे मैं ओवरकम नहीं हो पा रही हूँ। न्यूट्रीलाइट का आयरन आपने कब लिया? सर न्यूट्रीलाइट का आयरन नहीं लिया, मैंने कैल्शियम लिया। मुझे दोनों चीजें डाइजेस्ट नहीं होती और मेरा अभी 1 ईयर पहले मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे पैर में रॉड भी पड़ी हुई है, तो उसके लिए मुझे कैल्शियम प्रेफर किया गया था कि आप कैल्शियम ज्यादा खाइए, तो मुझे कैल्शियम का भी डाइजेस्ट ही नहीं होता है। न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम कब खाया आपने? सर अभी 15 डेज पहले मैंने स्टार्ट किया था इसको। अच्छा, तो अभी अभी ले रही है, बंद कर दिया? सर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैंने 3-4 दिन खाया और मेरा बहुत ज्यादा हेडेक होता था, मैं मुझे नींद भी नहीं आती थी। ओके, हीमोग्लोबिन कितना है आपका, टेस्ट हुआ हीमोग्लोबिन? सर अभी तो मेरा हीमोग्लोबिन 9 या 10 के अप्रोक्स है, और लेकिन कुछ साल पहले प्रॉब्लम मेरे ज्यादा हो गई थी, तब हीमोग्लोबिन मेरा 6 पहुंच गया था। अच्छा, तब से उतना अच्छा मेंटेन नहीं हो पाया उस तरीके से। आप न्यूट्रीलाइट डेली सैल्मन ओमेगा 3 प्रोटीन पाउडर, ओके सर, नेचुरल बी, नेचुरल सी, ओके ओके सर, और चेरी आयरन, ओके ओके सर, ठीक है। आयरन आप लीजिए सुबह नाश्ते के साथ लीजिए, और न्यूट्रीलाइट के आयरन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ दिनों के बाद आप कैलमेट डी भी स्टार्ट करेगा, जब थोड़ा आपका ये ठीक हो जाएगा तो आप देखेंगे कैल्शियम लेने से भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और कैल्शियम को आप आयरन के साथ मत लीजिएगा, आयरन ब्रेकफास्ट के समय लीजिएगा और कैल्शियम लंच और डिनर के बाद। ओके सर, ठीक है, तो आप देखेंगे कैल्शियम भी आप अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है सर, आई विल ट्राई दिस। मिस्टर हरिराम सरोज, हरिराम सरोज जी, मिस्टर कुबेर, हरिराम जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हरिराम जी ने सर पाइल्स के लिए अपनी तकलीफ का जिक्र किया है चैट में। हेलो, आ गए, आ गए, आवाज पे आ गए। हाँ सर, सर नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, बताइए। सर हमें सर बहुत दिन से कम 10 साल से पाइल्स की शिकायत है सर जी। ब्लड तो सर नहीं आता, लेकिन अब कभी कभी ब्लड आ जाता है सर, और सर हमें कम से कम 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है दिन में। सर जब हम भोजन कर लेते हैं तो कम से कम 5 घंटे के उपरांत मुझे प्रेशर महसूस होने लगता है लैट्रिन का, 5 घंटे बाद। जी जी, अच्छा, तब तो कोई अंदर अंदर सर गैस बनने लगती है, तो फिर सोने जाना ही पड़ेगा। सर प्रेशर नहीं बनता, गैस की भी सर शिकायत। ऑलराइट, ब्लड अगर देखिए पाइल्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है तब तो ऑपरेशन कराना पड़ता है जी। अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑपरेशन आप उसके बगैर भी चल जाएगा जी। ब्लड तो सर पाइल्स में तो सर्जरी जरूर जी। तो ब्लड नहीं जा रहा है तो आप नोट करिए आपको क्या क्या लेना चाहिए। जी जी सर, न्यूट्रीलाइट डेली, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा 3 डेली, तीनों लेना है, सैल्मन और प्रोटीन पाउडर। जी प्रोटीन पाउडर सर, गैस भी साथ में आप लिखिए। हाँ मैं समझ गया, अब आप नोट करिए जो मैं बता रहा हूँ। मिल्क थिसल प्लस, प्लस मिल्क थिसल प्लस और त्रिफला, त्रिफला जिसका नाम है आंवला की, विहिता की और हरिता की। जी जी, ये दोनों दोनों साथ में एक सवेरे और एक शाम खाना खाने के बाद। जी जी, और फाइबर खाना खाने के बाद दोनों टाइम 15 खाना जैसे आपने खा लिया 15 मिनट के बाद, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, 15 मिनट के बाद फाइबर 1.5 चम्मच फाइबर 1 गिलास पानी में घोलिए, खुद जब पूरा घुल जाए तो उसको पी जाइए, उसके बाद 1-2 गिलास पानी और जी। और इसको करिए 6 महीना करिए, देखिए आपका सब पाइल्स वाइल्स सब गायब हो गए। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू, यू आर वेलकम सर। अब मिस्टर कुबेर सिंह, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये डेली कैल्शियम डी प्लस नेचुरल सी ग्लूकोजामाइन
चेरी आयरन और तुलसी ये मैं लेता हूँ प्रेजेंट में, तो ये सर कैसे कैसे लिया करें इनको डेली या ये कैल्शियम नेचुरल सी कब कब एक साथ ले सकते हैं सर या अलग अलग टाइम से? मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ जी। देखिए डेली और चेरी आयरन सवेरे लीजिए नाश्ते के साथ। ओके सर। नेचुरल सी कैलमैक डी खाना खाने के बाद लीजिए सुबह भी रात में। अच्छा अच्छा जी सर जी 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 बस ग्लूकोजामाइन ग्लूकोजामाइन कभी भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा क्या ग्लूकोजामाइन जी आप पूछे पूछे क्या ग्लूकोजामाइन सर क्या दूध से नहीं लिया जाता ये ग्लूकोजामाइन दूध से नहीं ले सकते? नहीं 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 कोई दूध से लेने की जरूरत नहीं। अच्छा सर खाना खाया जब आप नेचुरल सी लिया कैलमैक डी लिया उसी समय ग्लूकोसामिन भी ले लिया। अच्छा 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 दूध के साथ लेना आवश्यक नहीं है आप चाहें तो ले सकते हैं कोई हर्ज भी नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है दूध के साथ। अच्छा जी 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 सर जी जी। अच्छा तुलसी भी एक मतलब तुलसी ले रहे हैं तो इसे कब लें? को भी दो बार लीजिए वही नेचुरल सी ग्लूकोसामिन कैलमैक डी के साथ तुलसी ये चारों एक साथ ले लीजिए दोनों टाइम। अच्छा। खाना खाने के बाद ओके डेली और आयरन सवेरे ले लीजिए नाश्ते के साथ। देखिए क्या होता है जो हमें एक बार लेना होता है जी उसको हम नाश्ते के साथ लेते। अच्छा जो दो बार लेना होता है उसको हम दोनों लंच और डिनर के बाद। ओके सर ओके थैंक यू सर थैंक यू। प्रोटीन पाउडर हम चाहे जब लें जब हमारी मर्जी हो स्नैकिंग के टाइम में ले लें सवेरे नाश्ते के साथ ले लें दोपहर में बीच में कुछ भूख लग रही है उस समय प्रोटीन ले लें। प्रोटीन के लिए प्रोटीन तो सर दूध में दही में और दाल में डाल के लेता हूं मैं जैसे अच्छा लगे। ओके सर एमवे का आईटीसी के साथ टाइप है बढ़िया बढ़िया फ्रूट जूसेस आ रहे हैं उसमें मिला के ले सकते हैं जी जी नहीं तो एक न्यूट्रलाइट फ्रूट ड्रिंक हालांकि वो तो शायद बंद हो गया वो भी अच्छा था फ्रूट ड्रिंक मिक्स वो स्टॉप कर दिया गया। ओके सर ठीक ठीक। ब्यूटी पांडे यस सर हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्यूटी जी आपका तो नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। नाम और मुझे पूछना था सर कि मेरी बड़ी दी हैं उनके दांत में बहुत प्रॉब्लम है सर वो दवा लेती हैं बट उन्हें सूट नहीं करता है सर मतलब बहुत दर्द होता है और इस वजह से उनको मतलब वो खाना भी नहीं खा पाती हैं जिसकी वजह से हाँ दांत में जिसकी वजह से वो काफी वीक हो गई हैं सर। सो उसके लिए क्या करूं क्योंकि काफी मेडिसिन ले चुकी हैं और उनको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कोई अच्छे डेंटिस्ट से मिली आप दांत के डॉक्टर से? हाँ सर कई जगह ट्राई किया बट थोड़ा बहुत आराम होता है बट फिर से वैसे ही हो जाता है। उन लोगों ने बताया क्या प्रॉब्लम है दांत के डॉक्टर ने कुछ बताया प्रॉब्लम क्या? देखिए अब दांत का इलाज सप्लीमेंट से कैसे करेंगे दांत के अंदर दर्द अगर होता है तो कुछ गड़बड़ी होगी दांत में और मेनली ज्यादातर क्या होता है इन्फेक्शन होता है। Yes, sir. आप एक दांत के डॉक्टर को दिखा के फिर उनको कौन है आपकी दीदी है? हाँ हाँ सर मैं दी है बड़ी दी है जी तो फिर उनको आप न्यूट्रलाइट डेली प्रोटीन पाउडर ओमेगा 3 आयरन और कैल्मेक ये पांचों चीजें उनको दी लेकिन दांत का जो उसमें देखना जरूरी है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है दांत। ओके सर और मेरी मम्मा है जिनको मतलब खाना खाती हैं लेकिन फिर भी उनको बहुत गैस बना लेता है मतलब दिन भर बहुत परेशान रहती हैं और काफी फैटनेस भी है उनको तो वो भी वो कम करना चाहती हैं। ओके तो उनके लिए आप कहीं नोट कर लीजिए नहीं तो आप भूल जाएंगी ब्यूटी। हाँ हाँ सर बिल्कुल डेली ओमेगा 3 प्रोटीन पाउडर साथ में यस सर मिल्क थिसल आमला की विहिता की हरिता की और फाइबर yes, sir. ये भी देना। okay, sir. Thank you so much, sir. Yes, welcome. अब next, गीता आर्या मैम। हेलो
हेलो। हाँ गीता आर्या बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभी एक दो दिन पहले हमारी एक लोग से बातचीत हो रही थी, तो उनकी बेटी का अभी करीब एक डेढ़ साल पहले हार्ट में छेद था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। वो करीब 7 साल की पूरी हो गई है, अभी 8वें में लगेंगे एक आध महीने बाद। तो अभी उनकी कोई एक मेडिसिन चल रही है कंटिन्यू, जैसा कि उनकी माँ ने बताया हमें। तो उनको हम ऑलरेडी, वो बच्ची को प्रोटीन खैर रोटी में दे रही हैं आटे के साथ, मतलब आटे में, और उनको फिर कह रही थी कि मैडम हमारी बेटी का वेट गेन नहीं हो रहा और ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस एज में है और जो ग्रोथ होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, वो नहीं है। तो सर उसके लिए क्या मतलब उनको बताया जाए? कितनी कितनी बड़ी है, एज क्या है? 8वें साल में लगी है, 7 की पूरी हो गई, 9 नवंबर में 8वें में लग जाएंगी। उसका कितना वेट है और हाइट कितनी? कई बार मम्मी लोग होते हैं, नहीं उसकी सर हार्ट का होती है, उनको लगता है मेरा बच्चा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं सर, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है बेटी का उनके। अच्छा, उसके हार्ट में छेद था जी, अभी करीब 1.5 साल हो रहा है उनके। तो वो ही प्रोटीन तो ऑलरेडी वो दे ही रही है जी, और ये कह रही थी कि मैडम वेट और ग्रोथ, मतलब जैसे लंबाई जिस हिसाब से है उस हिसाब से नहीं हो पा रही। समझ गया। अब आप मेरी बात सुनिए गीता जी, जी। ऐसे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। हार्ट में जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, ये चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी आप उनको सजेस्ट कर सकती हैं प्रोटीन पाउडर जी, और बच्चों वाला किड्स च्यूएबल टैबलेट्स, और जी, जी। बच्चों का जो यमी आता है ओमेगा 3, ये जी, 3 चीजें आप उन्हें सजेस्ट कर सकती हैं। पर ये ग्रोथ की चैलेंज होती है ऐसे बच्चों। अच्छा, उसको केवल सप्लीमेंट से आप ठीक कर सके ये संभव नहीं। सर एक प्रश्न और है अपने लिए। हाँ जरूर। बिटिया 9 महीने की हो गई है पूरी, तो उस हिसाब से ये अभी मतलब जैसा कि डॉक्टर बताते कि इनका वेट थोड़ा और होना चाहिए, लेकिन हाँ खेलती वेलती है, मतलब कि एक्टिव है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ देने की जरूरत नहीं, अभी आप लीजिए बस, आप सप्लीमेंट लो, सब उसको मिल जाएगा। 9 महीने के बच्चे को कुछ देने की आवश्यकता। अच्छा ठीक है सर, आप अच्छे से खाओगी गीता ना, तो उसको मिलेगा। जी थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा गौरी पांडे। Oh, Dori also has a question. She has yes, a question Dori. For her friend. Okay. Hello, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। Actually मेरा question नहीं है, लेकिन जो जिनको मैंने invite किया वो question नहीं पूछना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ, because उनको लगता है कि नहीं पहली बार आ रहे हैं वो, तो उनके सवाल ये है कि वेट गेन का प्रॉब्लम है उनका, और उसके पहले बॉडी में बिल्कुल स्टैमिना नहीं था। उन्होंने मुझे अपना हेल्थ सिचुएशन बताया कि उन्होंने किसी को लिवर का कुछ पार्ट डोनेट किया था अपनी फैमिली में, और उसके बाद लिवर रीजनरेट हो गया, और उसके पहले उनका गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ था। उन्होंने वेट सफिशियंटली गेन किया है, तो उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि उन्हें वेट लूज करना है, और उन्होंने विलिंगली सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए। तो मैंने बोला सबसे पहले तो आप फाउंडेशन प्रोडक्ट्स लेंगे, प्रोटीन ओमेगा डेली और कैल्शियम और आयरन, क्योंकि उनको वीकनेस रहती है बॉडी में जनरली। तो उसके बाद अच्छा फील करते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा फील करते हैं, और फिर उनका ये कहना है कि जब मैं लेता हूँ कुछ समय तक तो अच्छा फील होता है, लेकिन फिर से मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम नॉट एबल टू मेंटेन मतलब माई स्टेमिना एंड माई यू नो एनर्जी लेवल, और उनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम लगातार रहती है। तो ये सब चैलेंजेस के बाद हमने उनको रेकमेंड किया कि आप फिलहाल ये कुछ समय लीजिए, भी लेते हुए 1 महीना नहीं हुआ है, आप बताइए सर कि क्या करना चाहिए इसके अलावा। You are absolutely right, Gauri. 1 month time is too short a time to know the results, especially after that surgery. उनसे कहिए कि उसको लगातार लेते रहे, और इतनी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। इन 1 month आप इतना आप वेट गेन करोगे, तो न्यूट्रलाइट डेली, प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा 3, कैलमैक डी प्लस भी उन्हें देना चाहिए। दे रहे हैं कैलमैक डी प्लस ले रहे हैं वो, और एक और ऐड कर सकते हो आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, और इसके साथ खूब अच्छे से खाना वाना सब खाए,
एक्चुअली उनको वेट लूज सर उनको वेट लूज नहीं करना है वेट गेन नहीं लूज करना है लूज करना वेट लूज करना आई थॉट कि वो सर्जरी के बाद वेट गेन नहीं करता नहीं नहीं लूज करना है उनको फिर तब तो डाइट का कंट्रोल थोड़ा रखना पड़ेगा थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा अगर वेट है तो हमारा जो वाव जो प्रोग्राम है उसके ऊपर उनको आना चाहिए हाँ तो उसके लिए सर ये प्लान था कि जब ये थोड़ा बॉडी स्टैमिना बढ़ जाए थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन में आए तो उसके साथ वाव इंट्रोड्यूस करें तो अभी एक महीना हुआ नहीं है जैसी होगा तो उसके साथ प्लान है कि कितना वेट है वेट कितना है वेट आप मानिए 18 केजीज अबव है अबव आइडियल बॉडी वेट 18 केजीज 18 किलो अच्छा 18 किलो मतलब अबव हाँ अबव 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 नॉर्मल बॉडी वेट इज 18 केजीज तो उनका उनको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आओ जी और स्टेमिना जब जब तक वेट नहीं ठीक होगा स्टेमिना कहाँ ठीक होगा ओके वेट वेट जब मैनेज हो जाएगा तब स्टेमिना आएगा ऑल राइट और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें जितनी वो कर सकते हैं ठीक है वो सुन वो होपफुली सुन रहे होंगे सब कुछ तो उनको पता लग गया कि उन्हें क्या करना एक्सरसाइज जरूरी है डाइट में कंट्रोल जरूरी है डाइट में क्या होना चाहिए वेट घटाना अगर आपको है तो प्रोटीन बढ़ना चाहिए कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए प्रोटीन और फैट इसका कॉम्बिनेशन जो है वेट घटाता है फैट कंबाइंड विद प्रोटीन ठीक है सर कार्ब कार्ब एंड फैट प्रोटीन लेस वेट बढ़ता है ओके सर अच्छा एक सर चुटकी भरा सवाल है अंबिकापुरी सर का और वो पूछ रहे हैं कि मिल्क विद न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर के साथ शुगर यानी चीनी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा क्या गुड़ और मिश्री से ले लें तो अच्छा रहेगा क्यों नहीं ये तो इंडिविजुअल चॉइस है और गुड़ गुड़ इज प्रेफरेबल मिश्री और अच्छी है पर गुड़ सबसे अच्छा चीनी और गुड़ में अगर हमसे कोई पूछे मुझसे कोई पूछता है चीनी और गुड़ में क्या प्रेफर करना 100% ऑल द टाइम गुड़ ठीक है एक एक चैट में पंकज राज जी का क्वेश्चन है वो सिर्फ मेरे लिए आया है उसको मैं पढ़ लूं जरा डेली नेचुरल सी सैल्मन ओमेगा तुलसी आयरन मधुनाशनी गार्लिक मेरी मम्मी खाने के साथ लेती है सर क्या खाने के साथ ये सभी सप्लीमेंट्स ले सकती है बिल्कुल पंकज जी 100% ले सकते खाने के साथ ही लेना चाहिए फिर एक प्राइवेटली एक क्वेश्चन आया है एक जन एक व्यक्ति ने पूछा है कि डिप्रेशन में कौन कौन से सप्लीमेंट्स सजेस्ट करें 50 प्लस की एज है एक मेल की और उनको डिप्रेशन है मैं देखो डिप्रेशन में सप्लीमेंट्स में सजेस्ट करने से थोड़ा बचता हूं क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि डिप्रेशन किस लेवल का है ठीक बात और एक आप मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करें और साथ साथ न्यूट्रलाइट डेली प्रोटीन पाउडर सैल्मन ओमेगा एंड कैलमेक डी प्लस लें प्रोटीन पाउडर जो है हमारा ये इटसेल्फ बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है बट ओनली फॉर माइल्ड डिप्रेशन ये हम नहीं कहते कि सीवियर लेवल का डिप्रेशन प्रोटीन पाउडर से ठीक हो जाएगा तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका डिप्रेशन किस स्तर का है और डिप्रेशन थोड़ा भी है तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ठीक बात है और नाउ शैलजा पांडे हेलो सर शैलजा बोल रही मैं सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही जेनरिक है नहीं किसी से रिलेटेड है एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है उसको मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हें इस टाइम पे सेज पे डेली लेना चाहिए कैल्शियम आयरन और ओमेगा 3 तो उसने मेरे से पूछा कि मैं डेली ले ही रही हूँ तो मैं बाकी की चीजें क्यों लूँ लाइक डेली में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कैल्शियम आयरन सैल्मन ओमेगा 3 तो मैं अलग से ये क्यों लूँ अगर डेली एक सफिशियंट है मैं सिर्फ डेली लेती हूँ तो मैंने कुछ बोला कि अच्छा मैं पता लगा के बताती हूँ देखो अगर डेली सफिशिएंट होता शैलजा तो हम लोग और क्यों और कुछ क्यों एडवाइस करते डेली तो इसलिए है कि भाई कोई कुछ नहीं लेता तो चलो कम से कम इतना ले
बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. डेली में ओमेगा 3 तो है ही नहीं. डेली में जो कैल्शियम है, जो आयरन है, वो थोड़ा थोड़ा है. बिकॉज इट इज अ मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट, तो वो आप ले सकते हो, कोई चाहे तो अकेला ले सकता है, बट वो इट इज नॉट सफिशिएंट. किसी भी तरह से वो सफिशिएंट नहीं. स्पेशली अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, ये सब जैसे हेल्थ सेशन में कई बार आपने सुना होगा कि स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, पॉल्यूशन के कारण, चाहे जो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसके कारण, दोनों के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, और उसको टैकल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए. डेली अलोन इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, तो क्या अगर किसी टीनेजर को हम सिर्फ डेली रिकमेंड कर सकते हैं? देखो, रिकमेंड तो आप कुछ भी कर सकते हैं. कुछ नहीं लेने से एक प्रोडक्ट लेना तो अच्छा ही है ना. ऐसा तो है नहीं, इट्स नॉट ए मेडिसिन कि आपने सब नहीं लिया तो कोई नुकसान हो जाएगा. भाई कोई कुछ भी नहीं ले रहा और डेली लेता है तो कुछ ना कुछ तो उसका लेवल बढ़ा ही ना हेल्थ का. तो उसका न्यूट्रिशन का लेवल है वो बढ़ा. अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो ये हमारे 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं फॉर मेन एंड 5 जो फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं फॉर वीमेन, वो लेने ही चाहिए. 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट फॉर मेन क्या है? न्यूट्रलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3 एंड प्रोटीन पाउडर. एंड फॉर वीमेन क्या है? न्यूट्रलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर, चेरी आयरन एंड कैलमैक डी प्लस. और आजकल मैं कैलमैक डी प्लस आई हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग टू मेन ऑल्सो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी है और विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, बहुत कॉमन है. ओके सर, एंड एक और क्वेश्चन है, फाइबर जो है उसे एग्जैक्टली कब लेना चाहिए? लाइक मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट? वो मील्स के साथ लेना है. इट कैन बी टेकन बिफोर मील्स आल्सो एंड इट कैन बी टेकन आफ्टर मील्स आल्सो. बिफोर मील्स तो खाना खाने के पहले आपने घोला और पी लिया. आफ्टर मील्स थोड़ा गैप करना पड़ेगा, 15-20 मिनट का गैप करना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर के साथ हमेशा 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी लेना. तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना वेट घटा रहे हैं, जो अपना वेट घटाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप फाइबर को खाना खाने के पहले लो. अगर आपने पहले लिया साथ में 1-2 ग्लास पानी भी पिया तो आपका डाइट कम हो जाएगा. यू विल ईट ओनली व्हाट दैट मच विच इज एसेंशियल. और अगर आप वेट आप बढ़ाने का काम कर रहे हो तो आप खाना खाने के बाद. अच्छा ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे. थैंक यू. थैंक यू. चैट में सर एक दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर. हाँ भाई, कौन हल्ला मचा रहा है? तो वो एक दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर चैट में. एक उसमें से इच्छा शर्मा का है. और सर मेरी दो की बेटी है, उसको बहुत हमोरी है. दो की बेटी मतलब 2 साल की बेटी. 2 साल की. अरे तो घमोरी में आप क्या देंगे 2 साल की बेटी को? उसको अच्छा पाउडर ऑर्डर लगाइए, गर्मी से बचाइए, उसको सप्लीमेंट क्या दें? 2 साल के बच्चे को नहीं देना है. और ऐसा घमोरी और सारे पाउडर लगाया और ठीक नहीं हुआ. परसोना लगाया, हमारा परसोना टैल्कम पाउडर लगाया एमवे का. इक्षा बोलिए, इक्षा जवाब दीजिए. इक्षा नहीं सर, नहीं लगाए. तब सबसे बढ़िया वाला तो लगाए. अब आप सारे पाउडर बनते फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे अच्छा, बहुत सारे पाउडर लगा लिए. वेरी नाइस. तो देखो उसके लिए आप एक काम करो कि आप सारे सप्लीमेंट्स लो जी, ठीक है, और आप साथ में एक बायोटीन चेरी प्लस भी लो जी. ऑलराइट, ओके सर. मेरा एक और क्वेश्चन है. नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसका आंसर पूरा तो हुआ. अच्छा ऐसा भी होता क्या कि खाली क्वेश्चन पूछना है बस आंसर पूरा सुनना नहीं? आंसर भी सुनना है. तो आप सप्लीमेंट्स लो और बच्चा अभी दूध पीता होगा ना, माँ का दूध पीता है जी, जी हाँ. तो उसको सब मिलेगा. आप बायोटीन चेरी प्लस लिया करो, स्किन के लिए अच्छा होता जी. आपके थ्रू उसको थोड़ा स्किन वाला टॉनिक मिलेगा. और उसका आप अच्छे से ख्याल रखो, उसको खूब गर्मी से बचा के रखो और हमारा पर्सोना टैल्कम पाउडर लगाओ, ठीक हो जाएगा.
ओके सर, बताओ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि मेरी एक 7 साल की बेटी है जो खाती तो सब कुछ है अच्छा। पर उसका वेट नहीं बढ़ता, बहुत पतली दुबली दिखती है, लोग कहते हैं खाना ही नहीं देती तुम उसको, बहुत पतली दुबली थी लेकिन बोलती बहुत है, बहुत ज्यादा प्रोटीन कम मिलता है जी, इच्छा उसको प्रोटीन कम मिलता है, उसके खाने में प्रोटीन कम है जी। आप हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर देना शुरू करो, ऑल प्लांट जी, किसी भी चीज में, फ्रूट जूस में, दूध में, दही में, मट्ठे में मिला के। कितने साल की है? 7 साल। हाँ 7-8 साल की। हाँ तो 5 ग्राम 1 चम्मच 3 बार आप उसको दूंगे जी। ओके सर, थैंक यू। सर एक ओल्ड कपल है, वो लोग अनम्यूट करते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, ये गैलेक्सी M21 के नाम से। हाँ हाँ तो बोलिए सर, बोलिए क्या पूछना है आपको। बोलिए साहब, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? ये गैलेक्सी M21 लगता पूछिए है सर। सर प्रोटीन पाउडर की प्राइस कितनी? प्राइस कौन से वाले? प्रोटीन जो बच्चों को खिलाने वाले। इतने नहीं, प्रोटीन बच्चों का एक तो किड्स ड्रिंक आता है छोटे बच्चों के लिए 4 साल से 12 साल, 12 साल के ऊपर ऑल प्लांट प्रोटीन अब पाउडर आता है। आप जॉइंट हो कि नहीं? नहीं जॉइंट नहीं हूँ। तो डायमंड आपने नाम रखा है? नहीं डायमंड नाम नहीं। डायमंड के लिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे डायमंड बनो? बराबर। ज्वाइन जब कर लोगे तो आपको वेबसाइट पर सरप्राइज मिलेगी, सब पता चल जाएगा। यस सर बराबर। आप आपको किसने किसने इनवाइट किया वो आपको सब बता देंगे प्राइस। ओ मैडम ने नाम भूल गया मैं मैडम का, हमारे बड़ोड़ा का मैडम है ना। कहाँ रहती है मैडम? फॉर्चून हाइट। मैडम कहाँ रहती है? फॉर्चून हाइट। फॉर्चून हाइट यही अल्पेश है। हाँ ओके ओके। अच्छा दीपशिखा मैम ने इनवाइट किया आपको, तो आपको दीपशिखा सारे प्राइस बता देंगी डायमंड की। ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ये एक वो है यंग लेडी है और प्रणीता, उन्होंने लिखा है कि मेरा नेटवर्क वीक है इसलिए मैं लिख के पूछ रही हूँ। उनके जो हस्बैंड हैं उनकी पूरी बॉडी में गांठ जैसी हैं टॉप टू बॉटम, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टॉप टू बॉटम ढेरों गांठें हैं। हाँ ढेरों गांठें हैं। कोई उनका पिक्चर विक्चर है? ठीक है प्रणीता, आप उनका पिक्चर भेजिएगा, हम आपको अलग से डॉक्टर साहब से बात करवा देंगे। अलग से करेंगे क्योंकि वो सप्लीमेंट्स का मामला उसमें कम है। हाँ उन गांठों को देखना होगा। देखिए एक चीज तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एम्वे न्यूट्रलाइट में जो सप्लीमेंट्स हैं वो बीमारियों का इलाज नहीं, पहली बात वो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उससे ठीक जरूर होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण है, जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण, जैसे गठिया। गठिया ये डेफिनेट है कि वो डिजेनरेशन वाली डिजीज है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें फायदा करते हैं। बट अब जैसे गांठों की बात करें तो गांठों में सप्लीमेंट्स क्या करें? जनरल हेल्थ उनकी हम ठीक कर सकते, बट उन गांठों को तो देखना पड़ेगा कि क्या है, नेचर क्या है उसका, फिर हो सकता है कुछ उसमें से बायोप्सी करनी पड़े, ये चीजें। अच्छा फिर ये मिस्टर ज्ञान चंद्रा ने सर पूछा है कि जो शुगर पेशेंट है अगर वो वजन कम करना चाह रहा है तो वो फाइबर खाने के बाद ले या पहले ले? शुगर पेशेंट का तो वजन कम होना ही चाहिए, अगर उसका शुगर ठीक से मेंटेन कर रहा है तो उसका वजन घटेगा घटेगा। अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन से वेट बढ़ता है, अगर वो इंसुलिन पर है तो इंसुलिन वेट बढ़ाता है। और उसको हमेशा जो अपना फाइबर है वो डायबिटीज का पेशेंट चाहे पहले ले चाहे बाद में ले, क्योंकि उसकी डाइट फिक्स होती है, उनको उतना खाना ही है, ना उससे कम में काम चलेगा ना वो ज्यादा। तो उनके लिए ज्ञान जी वो चाहे पहले ले लें चाहे बाद में ले लें, इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज उनका फिक्स होता है कि मुझे 2 ही रोटी खानी है, 1 ही रोटी खानी है, इतना ही चावल खाना है। अगर वो डाइट अच्छे से अपनी कंट्रोल कर रहे हैं तो ठीक है। ज्ञान जी आर यू हैप्पी विद द आंसर? और
अब इनवाइट करते हैं शिप्रा पांडे, डॉक्टर शिप्रा पांडे कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो, हाँ शिप्रा पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर आज एक फ्रेंड है मेरी, उससे बात हुई थी तो वो ये पूछ रही थी कि मतलब मैंने रिकमेंड किया बट जैसा कि प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है कि न्यूट्रीलाइट डेली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो वही मुझे पूछना है कि प्रेग्नेंट लेडीज और आफ्टर डिलीवरी वाले लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एमबे लिख देती है ऐसे ही, क्योंकि वो अपना उनका वो एक वो होता है ना कि भाई हाँ प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर से पूछ के करो। तो कैल्शियम, कैल्मेक डी एंड आयरन, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग यू कैन गिव इन प्रेगनेंसी। ओके, बल्कि देना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा ये सर, साधना मिश्रा जो भास्कर पांडे जी की बेटी है, उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं ये जो गैलेक्सी M21 है, वो कुछ इच्छुक हैं लेकिन वो कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे लगता है, तो भास्कर पांडे जी उनकी मदद करें। हाँ, साधना मिश्रा जी के फादर इन लॉ मदर इन लॉ आप कुछ पूछना चाहते हो तो साहब बोलिए। भास्कर पांडे जी के समधी हैं, इनको फोन उन मिला के पूछना चाहिए कि भाई क्या पूछना चाह रहे हो, फिर हम इन्हें हमसे बात करें। हाँ मिश्रा साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। अगर वो नहीं मैनेज कर पा रहे तो भास्कर पांडे जी हेल्प करिए। चलिए जाने दीजिए। तो भास्कर पांडे सर आप पूछ लीजिए फोन करके। हाँ वो फोन लगा रहे हैं, उस पर सीधे नहीं पूछ पा रहे हैं। अनम्यूट हो गए। हाँ बोलिए साहब। मिश्रा जी, मिसेस मिश्रा, हाँ बोलिए। नमस्ते, नमस्ते। हेलो जी, बोलिए। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं एक थायराइड की पेशेंट हूँ और हाई बीपी की भी जी। मैंने आपका जो अश्वगंधा एक दिन मैंने लिया जी, तो मुझको बहुत दिक्कत आई, मेरा बीपी भी बढ़ गया और जो धड़कने भी बढ़ गई और पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ और मोशन भी हुए, फिर मैं काफी बहुत परेशान हो गई और एकदम निगेटिविटी दिन भर मस्तिष्क में आती रही। इसके लिए मुझे वैक्सीन लेनी पड़ी कि मैं इसके लिए ठीक हो जाऊं, वो तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आपका न्यूट्रीलाइट डेली मैंने एक दिन पूरा लिया तो मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, हाफ लेते हैं हाफ टेबलेट तो हमको थोड़ा रिलैक्स रहता है तो, और हमारे ज्वाइंट पेन मतलब गठिया में भी पेन रहता है। हम बताइए क्या मेडिसिन लें। बाकी एलोपैथ में बीपी की दवा खाते हैं और थायराइड है इसके लिए थायरोनॉल 50 खाते हैं जी। आगे हमको ये बताइए कि मैं आपके यहाँ से क्या लूं। न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर, ग्लूकोसामीन जी, नेचुरल सी जी, कैल्मेक डी प्लस जी, और हमारी कोई भी एक गोली मिसेज मिश्रा इतनी ताकतवर नहीं है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर, एक गोली में इतना ताकत नहीं है इतनी सारी समस्या खड़ी करने, तो मेरा अनुरोध है कि एक बार और ट्राई करिएगा, उसकी वजह से नहीं हुआ होगा कोई और वजह हो। ओके जी। सर एक बात मेरी और है जी, जी। मेरा एक लड़का है जिसको फिशर की बीमारी है जी, तो जरा भी खाने में थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसको काफी ब्लीडिंग होने लगती है लगभग 3-4 साल से जी। तो क्या आपकी उसमें कोई इसका परमानेंट इलाज है या आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट खाने से या कैसे भी? नहीं, उसको आप किसी सर्जन को दिखाकर उसका सर्जरी करवा के फिर उनको प्रोटीन पाउडर डेली सैल्मन ओमेगा दी जी। और डॉक्टर साहब दूसरे जो हमारे हस्बैंड है ये हार्ट पेशेंट है जी, तो PGI से इनका इलाज चल रहा है, इनकी एंजियोग्राफी जो प्लास्टिक हो चुकी है जी, तो वहाँ पे भी सुबह एक शाम को एक ऑस्पिन चलती है 1.5 ml की और मॉर्निंग में वो Ambeta 5 खाते हैं जी। क्या ये अलग से आपका कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं? आप लेना ही चाहिए, इनको लेना ही चाहिए, अगर बढ़िया रिकवरी नहीं चाहिए जी, इनको हमारे कम से कम 5-6 प्रोडक्ट लेने चाहिए जी, इन दवाइयों के साथ साथ जो दवा चल रही है वो चलने दीजिए, साथ में इनको प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, गार्लिक और कोएंजाइम Q10
और साथ में अगर CH बैलेंस भी ले लें तो ये नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए नहीं तो आपको भास्कर पांडे जी बता देंगे। न्यूट्रलाइट डेली प्रोटीन पाउडर सैल्मन ओमेगा 3 गार्लिक कोएंजाइम Q10 एंड CH बैलेंस हार्ट पेशेंट्स के लिए एकदम जरूरी है। ठीक। इसके बाद में सर मैं ममता भाभी को रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वो आए और उनके एक डाउनलाइन है नए बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन, उनका कुछ क्वेश्चन है, डायबिटीज भी है और फाइब्रोसिस लीवर की है। ममता भाभी आप पूछिए पूरा सवाल। वैसे जो लिखकर उन्होंने डाला है वो है सर काइंडली आस्क डॉक्टर साहब अबाउट लीवर फाइब्रोसिस स्टेज 4 ट्रीटमेंट आई एम सफरिंग फ्रॉम। I am also a diabetic patient. I have joined Amway 1 month ago with Mrs. Mamta Pandey, ma'am. क्या क्या फिर से क्या stage 4 क्या है? Stage 4 treatment of liver fibrosis. Okay. And he is a diabetic person also. Mamta भाभी और पूछिए इसको जरा सर clarify कर लीजिए। मैं समझ गया, मैं बता सकता हूँ। All right. इनको देना है न्यूट्रलाइट डेली प्रोटीन पाउडर सैल्मन ओमेगा 3 मिल्क थिसल एंड फाइबर। मिल्क थिसल बहुत जरूरी है। ओके। और डायबिटीज है उसमें भी हेल्प करेगा मिल्क थिसल, फाइबर डायबिटीज में भी हेल्प करेगा और लिवर के लिए तो हेल्प करेगा। देखिए मिल्क थिसल हेल्प्स इन डायबिटीज, मिल्क थिसल हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट आल्सो एंड मिल्क थिसल हेल्प्स इन इनडाइजेशन गैस एंड ऑल। वेट में कैसे हेल्प करता है वो लिवर का काम है, लिवर हेल्दी रहता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा तेज होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा BMR बढ़िया होगा तो वेट घटाने में हेल्प करता है। राइट सर? राइट सर। ममता भाभी यू गॉट द आंसर? ममता भाभी जवाब दीजिए। ठीक है सर, नरेंद्र सर। हाँ सर ठीक है। तो और? तो सर अभी अभी हाँ वो आ गई ममता जी, आ तो गई थी, बोलिए। भैया ने जवाब दे तो दिया है सर। ओके चलिए ठीक है। ओके, बस हम यही जानना चाह रहे थे कि आपको जवाब मिल गया। तो ठीक है सर, तो ये मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चंस और नहीं दिख रहे हैं और चैट में भी नहीं है, तो आई थिंक कि ये पूरा हो गया सेशन हम लोगों का। यस। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लिया 10:30 से, लेकिन आज हमारे जो लोग थे जो सवाल पूछ रहे थे उनको सेटिस्फैक्शन हुआ होगा और उन्हें सही एडवाइस भी मिल गई है और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो आगे जाएं। और सबसे मजेदार बात थी, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज थी कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और अपने को डायमंड नाम लिखकर मीटिंग में आए थे, तो कितनी बढ़िया बात है कि डायमंड का क्रेज है कि नॉट बीइंग डायमंड बट वांट्स टू बिकम डायमंड इवन विदाउट ज्वाइनिंग। तो बहुत अच्छा लगा और ये हम सबका हेल्थ सेशन यहाँ इस तरह से आज का पूरा होता है विद इंटरेक्शन और हम लोगों ने एक जो